हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युगल में। आज हम लोग इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आखिरी है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स को चलाया हुआ है एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए, और डेवलपमेंट करने के लिए जो भी एरियाज हैं, नक्सलाइट एरियाज वहाँ पे, और क्या क्या इश्यूज थे, इश्यूज एज वेल एज कंसर्न, इनके बारे में भी देखा जाएगा। और लास्ट में कुछ चीज गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में जो मिसिंग थी उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीपीआई माओइस्ट के बारे में देखा हुआ था। सीपीआई माओइस्ट का क्या टारगेट, उन्होंने किस तरीके से नई नई अपनी स्ट्रेटेजी लेके आए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक जो आपको सारा मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक की वीडियोज आपको मिलेंगी। और साथ ही में अगर आपने आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट। उसके साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा वीडियोस पड़े हुए हैं ओकुल बैंकिंग में। ओकुल बैंकिंग के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स लिए और ये प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ के लिए है। अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो भी लेस लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज हैं उनको डिक्लेयर कर दिया गया है बैकवर्ड एरियाज। और साथ ही में वहां पे 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ दिया गया है डिस्ट्रिक्ट को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कर सके इन सारे एरियाज में। तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड का मतलब जो है LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज को इसको बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे 15 करोड़ रुपए दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। इस बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में यहाँ पे इलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, कौन कौन से लोग जो है वो एलिजिबल है इस ग्रांट को लेने के लिए, एलिजिबल फॉर फंडिंग। एलिजिबल फॉर फंडिंग। नेक्स्ट बास्केट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो बास्केट अप्रोच है क्या, यहाँ पे प्रायोरिटीज दी गई है। कुछ जो एरियाज हैं, जो बास्केट अप्रोच का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ एरियाज को प्रायोरिटीज दी गई है, या फिर कुछ ऐसी जो स्कीम्स हैं वहाँ वहाँ पे प्रायोरिटीज दे दी गई है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल, यू कैन जस्ट टेक मनरेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड सो ऑन। तो कई सारी स्कीम्स हैं वहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, दैट कम्स अंडर द बास्केट अप्रोच, मीन्स प्रायोरिटी। इंदिरा गांधी, इंदिरा आवास योजना, नरेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक्सेट्रा। तो ये जो एरियाज हैं इनको प्रायोरिटीज, ये जो स्कीम्स हैं इन स्कीम्स को प्रायोरिटीज दी गई है, दैट कम्स अंडर द बास्केट अप्रोच। सिविल एक्शन प्रोग्राम, सिविल एक्शन प्रोग्राम में क्या है ये, क्या इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी गैप देखने को मिलता है पुलिस और पब्लिक के बीच में, उस गैप को कम किया जाएगा, टू ब्रिज द गैप बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में
प्लान की अगर हम बात करें, जो इसको चलाया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो प्लानिंग कमीशन थी पहले नीति आयोग से पहले, उसने इस पे लाइक इंटीग्रेटेड एक्सेल प्लान को चलाया गया है। अगर अभी बात करते हैं नीति आयोग ने कौन से, नीति आयोग ने एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी को चलाया गया है, तो आप उसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में क्या होगा, लाइक 82 जो डिस्ट्रिक्ट है उन सारे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स, रोड, पार्क्स और लाइटिंग पे जोर दिया जाएगा। लाइटिंग लगाई जाएगी, रोड्स बनाए जाएंगे, स्कूल बनाया जाएगा, ताकि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इन सारी जो पॉपुलेशन है वो इस चीज में इन्वॉल्व ना हो। एंड सो ऑन, वहाँ पे मेन एजेंडा इनका यही है कि हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। अब उसका जो नेम इसका चेंज कर दिया है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का इसका नाम नया नाम रख दिया है एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस। तो उसमें आप लिख सकते हैं बाय प्लानिंग कमीशन, नेम चेंज्ड, नया नाम क्या है, नया नाम इसका दे दिया गया है एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट और यहां पे 82 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स, रोड, पार्क, लाइटनिंग, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। रोशनी के अंतर्गत 50,000 जो यूथ है उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 50,000 यूथ को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और कौन कौन से स्कीम चलाए गए हैं, जैसे कि यूनिफाइड कमांड हुआ, या फिर सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज और स्कीम्स फॉर मोबाइल टावर, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए, इनका जो स्कीम फॉर मोबाइल टावर की बात कर लेते हैं पहले, तो उसमें ये बोला गया था कि 2016 तक, अब तो डेट बढ़ गई, 2016 तक जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो क्या था, 2,199 टावर लगाने हैं हम लोगों को, टावर लगाने हैं हम लोगों को इन सारे एरियाज में। अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड कमांड की, तो यूनिफाइड कमांड में जो सेंटर होगी और स्टेट, ये कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। और ये कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, जो चीफ सेक्रेटरी या फिर डीजीपी लेवल, अब थोड़ा यूनिफाइड कमांड में कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है ये देखिए, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी है, साथ ही में डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी क्या किया करेंगे, ये यूनियन होम सेक्रेटरी को मैटर रेफर करेंगे, जो भी बात होगी ये कंसल्ट करेंगे यूनियन होम सेक्रेटरी। यूनियन होम सेक्रेटरी कंसल्ट करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी को एंड कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को। इस तरीके से बनाया गया है कि कोऑर्डिनेट यूनिफाइड कमांड रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज, तो यहाँ पे एक मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाएगा 25,000 रुपए तक का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। और इसके अलावा इन लोगों को एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और मिनिस्ट्री में लेके आया जाएगा। एंड मेनस्ट्रीम, अभी जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको ये नहीं, उनको ये लगता है कि हम गवर्नमेंट जो है, सरकारें हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो ऐसा गवर्नमेंट का कोई उद्देश्य नहीं है। उन लोगों को पैसा भी दिया जाएगा, उन लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही में उन्होंने देखा है अंडर रोशनी के
रोशनी स्कीम के अंतर्गत क्या है, जो यूथ है उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और साथ ही में उन लोगों को अपने मेन स्ट्रीम में लेके आने की जरूरत है। स्कीम फॉर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, सॉरी आम ऑफिसर सही ऑफिसर्स नहीं है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक जो भी स्कीम्स है उन स्कीम को मॉडिफाई किया जाएगा। अब वो देखिए मॉडिफाई किस तरीके से, टू मॉडिफाई द स्कीम, ऑफिसर्स टू मॉडिफाई द स्कीम कैसे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एसडीएम, एसडीएम के बाद ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर बीडीओ, रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव। रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव्स के अंतर्गत क्या बोला गया है कि 40% जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो लोअर लेवल सीआरपीएफ में होगा, वहां के जो लोकल एरियाज के लिए, ताकि जो टोपोग्राफी है उस एरिया की वो समझ कर सकते हैं ये लोग, और एम्प्लॉयमेंट भी उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, 40% जो रिक्रूटमेंट है, 40% जो रिक्रूटमेंट है वो कहां से, या फिर रिक्रूटमेंट कहां पे, लोअर लेवल ऑफ सीआरपीएफ या फिर लोकल एरियाज के लिए, सॉरी जो 40% रिक्रूटमेंट होगा लोअर लेवल सीआरपीएफ वो कहां से होगा, लोकल एरिया से होगा। इस लोकल एरिया की प्रॉब्लम यही हो जाती है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन इसका यही बनता है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन लोगों को तो पता ही रहेगा कि हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि दे आर वेल वर्स्ड ऑफ द टोपोग्राफी, वहां की क्या टोपोग्राफी है इसके बारे में उन लोगों को पता है, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे इससे सॉल्व हो सकती है। अब इश्यूज या फिर हम लोग कंसर्न के बारे में बात करते हैं, तो इश्यूज और कंसर्न क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए गवर्नमेंट ने एक रोड प्लान किया था, अब ये समझिएगा किस तरीके से पूरा सारी सिचुएशन को समझाते हैं। पहला जो कंसर्न है, गवर्नमेंट ने रोड को प्लान किया, हम लोग मान लेते हैं कोई एक विलेज ए है से लेके विलेज बी तक, तो ये विलेज से हो गया ये मार्केट, वो मार्केट नहीं है, मार्केट का मतलब ये है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आया जा रहा है, जो गांव के लोग हैं, गांव में जो विलेज लगता है उसके बारे में बात नहीं चल रही, ये जो मार्केट है ये वो मेन स्ट्रीम में लेके आया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नक्सल वालों का क्या परसेप्शन है, अगर हम बात करते हैं नक्सल्स के बारे में, वो ये बोलते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किया जा रहा है, ऐसा नक्सल बोल रहे हैं इन लोगों को, नक्सल का जो मूवमेंट, नक्सल का जो परसेप्शन है। वो क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस विल बी फास्टर, ये रोड बन जाता है तो मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस विल बी फास्टर। यही एक प्रॉब्लम इन दोनों के, देखिए इन दोनों के बीच में बात ही नहीं समझ में आती है, गवर्नमेंट है कुछ अलग, गवर्नमेंट अच्छा करना चाहती है लेकिन नक्सल इसको गलत तरीके से बनाते हैं। दूसरा सेकंड जो रीजन है वो क्या है उसके बारे में समझिए, स्कूल्स, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ने अगर स्कूल्स को बनाया, पहला जो उन्होंने लिया हुआ था गवर्नमेंट का रोड, दूसरा स्कूल्स, तो यहाँ पे नक्सल ये बोल, नक्सल ने स्कूल को ही हटा दिया गया, उन्होंने ये बोला गया है ये क्या स्कूल जो है दैट इज द टेम्पल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कहना है नक्सलवादों का, जो स्कूल्स है दैट इज द टेम्पल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ब्लो अप द स्कूल,
क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि स्कूल की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड रीजन ऑपरेशन ग्रीन हंट। देखिए अगर बात करें ऑपरेशन ग्रीन हंट का, तो ये जो नाम दिया गया था ये मीडिया के द्वारा दिया गया था, किसी भी सरकार ने इसको नहीं दिया। ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था बस्तर में, वहां पे जो भी टेंट्स थे वो सारे टेंट्स को हटाया गया। एक ग्रीन कलर देखने, जितने भी ग्रीन कलर के टेंट्स थे उन सारे टेंट्स को वहां से हटा दिया गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो वही है जो ये जो टर्म है ये कहीं पे भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूज नहीं किया। यही एक प्रॉब्लम बन गई है। थर्ड क्या है, सॉरी थर्ड तो हमारा ये हो गया। फोर्थ क्या हम बात करते हैं, तो फोर्थ प्रॉब्लम याद रखिए, ये ऑपरेशन ग्रीन हंट मीडिया के द्वारा दिया गया था और केंद्र सरकार ने ऐसा टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता है केंद्र सरकार की डिक्शनरी में। नेक्स्ट है हमारा सलवा जादुम। सलवा जादुम ये एक, देखिए सलवा जादुम, अब इन छत्तीसगढ़ इन 2005 बाई महेंद्र कर्मा। तो वहां के क्या है कि एक लोकल गोंड लैंग्वेज को चलाया गया था छत्तीसगढ़ में 2005 में महेंद्र कर्मा के द्वारा। सलवा जदाउन ये एक लोकल गोंड लैंग्वेज है ताकि पीसफुल कैंपेन्स हो सके। किसके लिए? पीसफुल कैंपेन्स के लिए इस को चलाया गया था। लोकल गोंड लैंग्वेज पीसफुल कैंपेन्स और पीस कैंपेन्स। उसके लिए क्या है कि जो वहां के जो लोकल्स थे, लोकल्स को अपॉइंट किया गया है एसपीओ, उन लोगों को आर्म्स दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा और उनसे ये बोला गया था कि इन जो आपके पास जो हथियार हैं, इन हथियार का आप यूज कर सकते हैं नक्सलाइट के प्रति, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नल एंड वॉइड कर दिया जो एसपीओ है। और ये भी बोला गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के को, ये भी कहा था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि आप और कोई सॉल्यूशन निकालिए, ये जो सलवा जैसे ये सलवा जदाउन जिस टाइप की चीजें हैं, ऐसी चीजों की वजह से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप और कुछ लेके आइएगा। और कोई भी क्राइटेरिया अगर बात करते हैं एसपीओ के सिलेक्शन के लिए, तो एसपीओ जो होता था उसके सिलेक्शन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। तो अब ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। फाइव एसपीओ अपॉइंट लोकल, जो भी लोकल लोग थे उन लोगों को अपॉइंट किया जाता था एसपीओ, और उनको ये भी बोला गया था गिवन आर्म्स बाय गवर्नमेंट। उसके अलावा भी ये बोला गया था यूज आर्म अगेंस्ट नक्सलाइट टू प्रोटेक्ट द पीपल।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, दिस लेड टू द वायोलेशन। और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नल एंड वॉइड कर दिया। बस आप इतना ही समझ लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, ये एसपीओ है, ये भी बोला यू नीड टू फाइंड आउट द अनदर वे टू सॉल्व ऑल दिस इशू। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट मिसिंग, क्या क्या एलिमेंट है जो कि गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजी में मिसिंग थे। एक तो परसेप्शंस की अगर हम बात करें तो परसेप्शंस है, वो उस चीज को मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द ग्रास रूट लेवल, या ये ग्रास रूट है। ग्रास रूट लेवल ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज का हम लोग देखा होगा कोई भी मतलब उनको मतलब ही नहीं है इस चीज से। अब्सेंस है टीएओ एडमिन का, ये टीएओ एडमिन का एक रोड पाथ और वे, इनका मींस है इनका कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, सो ऑन। पुअर इक्विपमेंट यूज किया जाता है सिक्योरिटीज फोर्सेस को, ये सारे एलिमेंट जो है वो मिसिंग थे इन द स्ट्रेटेजी। अगर बात करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या है, सॉरी फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत है। एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत है, गवर्नमेंट हैज टू एड्रेस जितने भी सिक्योरिटीज फोर्सेस हैं, लाइक हम लोग क्या बात करें, गवर्नमेंट को ये लगा, गवर्नमेंट ने रोड बनाए थे, हम लोगों ने देखा हुआ था ए से लेके बी तक, ये ए और ये बी, इस ए और बी में जो भी सिक्योरिटीज फोर्सेस हैं, इन सिक्योरिटीज फोर्सेस को आप वहां से हटाइए, हटाना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा कि नहीं, हम ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कि रोड इसलिए नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ताकि हम अपनी आर्मी को यहाँ से मूव आउट, मतलब आर्मी को फास्टर मूवमेंट हो सके आर्मी का, इसलिए नहीं किया जा रहा है, सो ऑन। तो ये सब चीजें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा क्या है, ट्राइबल आइकन, अगर आप जो उनके जो लोग हैं, जैसे कि हमने देखा हुआ है कि उनके ही लोगों का अगर आप आइकन बनाएंगे, तो हम लोग देखा कई आइकन्स बने सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सो ऑन, तो यही बात किया जा रहा है, अगर आप उनके आइकन्स को बनाते हैं तो उनके अंतर्गत क्या होगा, एक फेथ डेवलप हो जाएगा, दिस विल स्टैब्लिश और टू स्टैब्लिश दी फेथ, उनके अंदर एक विश्वास जगाने की जरूरत है। और हम लोगों को टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी को हटा के एक नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जैसे कि GPS इंस्टॉल करना चाहिए, सैटेलाइट फॉर्म, GPS सैटेलाइट, नाइट विजन डिवाइस, इन सारी चीजों का यूज करके जब जहां पे भी और जब भी जरूरत हो तब इसको यूज करो। और लास्ट में लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स का बोला गया है कि लैंड रिफॉर्म्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा लैंड रिफॉर्म, नहीं तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जमीन बहुत जगह ले रखे हैं, मतलब उनका ये समझ में नहीं आता है कि उनने जमीन किस बेस पे ली है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज को, जो भी लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म को अगर डिजिटाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, बड़े से बड़े जमींदार बढ़ते ही जाएंगे और जो छोटे लोग हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम फेस होगी। तो ये यही सेम चीज करना चाहिए, और ताकि और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी चीजें हो, अगर लैंड रिफॉर्म्स करना है गवर्नमेंट को, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए एक नेगोशिएशन बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं मान सकते हैं कि जो जमींदार लोग हैं वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट उनको अच्छा मुआवजा इनसो ऑन कुछ देती है, या फिर अलग उन्होंने गलत तरीके से जमीन हथिया ली है, ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है हमारे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और इन सारे एरियाज में,
तो सेम प्रॉब्लम है, बस वही है कि अगर हम लोग डिजिटाइजेशन कर देते हैं जितने भी रिकॉर्ड हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर, दैट इज टेररिज्म, विच इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू इट नाउ. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Oracle website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So, thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Oracle.